namaste everyone i'm sapna gupta and today we are going to start a new concept which has been introduced first time in syllabus of class plus two mathematics that is case study uh, students uh, in your board exam two case studies will come right and in each case study there will be five mcqs and out of five you have to answer four so student it is very simple to attain eight marks i know you are excited so let's get started स्टडी है वो आपके सामने है तो स्टूडेंट यू कैन सी यहाँ पे एक स्टोरी गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टोरी को अच्छे से रीड करते हैं और इस स्टोरी के ऊपर बेस्ड फाइव एमसीक्यूज हमारे पास अवेलेबल है उनके आंसर अभी हम करेंगे तो सबसे पहले स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं हैंट इज गिवन सो इट इज गिवन मंजीत हैज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट राइट आपको नजर आ रहा है इट इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ एक्स ब्रेथ वाई एंड ही टोल्ड दैट इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 50 मीटर अगर इसकी लेंथ में हम 50 मीटर कम कर दें एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 50 मीटर रिमेन सेम तो एरिया सेम रहेगा बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय टेन मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय ट्वेंटी मीटर देन एरिया विल डिक्रीज बाय फिफ्टी थ्री हंड्रेड मीटर स्क्वेयर राइट स्टूडेंट तो ये स्टोरी हमारे सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और अब इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमें फाइव एम सी क्यूज गिवन है तो वन बाय वन हम इन uh, फाइव के फाइव एम सी क्यूज का आंसर करेंगे राइट right? तो लेटस कम टूर फर्स्ट एम सी क्यू सो फर्स्ट इज ये यू कैन सी हेयर द इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको इक्वेश uh, बनानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड लेटेस सी क्यू इक्वेशंस क्या बनेंगी और कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पर राइट होगा सो लेट इस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ एक्स है बेट वाई है सो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर लेंथ में फिफ्टी मीटर कम कर दिया जाए दैट इज एक्स माइनस फिफ्टी ओके एंड ब्रेड्स में फिफ्टी इंक्रीज कर दिया जाए तो एरिया सेम रहेगा डेट इज एरिया विल बी एक्स वाई क्योंकि एक्स वाई इसका ओरिजिनल एरिया है डेट इज एक्स वाई सॉल्व करते हैं लेट अस चेक सो इट विल बी एक्स वाई माइनस फिफ्टी वाई ओके प्लस फिफ्टी एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स वाई राइट सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज ये ओवरऑल फिफ्टी पे कैंसल हो रहा है तो माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू इट विल बी फाइव हंड्रेड और वी कैन राइट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फिफ्टी सॉरी फिफ्टी राइट तो इट में स्टूडेंट यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर सेकेंड ऑप्शन हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में भी एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी है और सेकंड ऑप्शन में भी एक्स y वाई इज इक्वल टू फिफ्टी राइट ओके नाउलेटस की हम इस हमारे पास जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है वो क्या गिवन है इट इज गिवन इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर एंड ब्रेथ इज डीक्रीज बाय 20 मीटर अगर लेंथ में 10 कम कर दें और ब्रेथ में 20 कम कर दें राइट देन एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 मीटर स्क्वायर तो जो एरिया है वो 5300 कम हो जाएगा दट इज एक्स वाई माइनस फिफ्टी फाइव राइट चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि यहां पे क्या आएगा डेट इज एक्स वाई माइनस टेन वाई माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस टू हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस फिफ्टी थ्री हंड्रेड राइट सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसर एंड इट विल बी माइनस टेन वाई माइनस ट्वेंटी एक्स ओके एंड इट विल बी यस प्लस फिफ्टी फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो राइट तो टेन से कैंसिल हो रहा है डेट इज माइनस वाई माइनस टू एक्स प्लस फाइव फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो और वी कैन राइट इट एज डेट इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव फिफ्टी तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई स्कोर टू फिफ्टी एंड सेकेंड इज टू एक्स प्लस वाई स्कोर टू फाइव फिफ्टी तो दट इज सी की कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फिफ्टी एंड टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव फिफ्टी यस सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट हेयर राइट स्टूडेंट सो इट इज वेरी सिंपल कितनी इजिली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर सॉल्व हो गया नो लेट इस मो टू सेकेंड एमसीक्यू ओके सेकेंड एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इट इज वेरी सिम्पल लेट एस सी वॉट इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अप आव ठीक है आपके पास जो इक्वेशन यहां पे फॉर्म हुई है डेट इज सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है तो इस जो इन्फॉर्मेशन को जो कि इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस है राइट right, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं तो लेट अस सी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट right रहेगा चलिए देखते हैं अगर हम फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट विल बी एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी देखिये अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी राइट हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है बन रही है और सेकंड को देखें तो टू एक्स प्लस वाईज इक्वल टू फाइव फिफ्टी तो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल बिल्कुल क्लियर हो है क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन होगा बिकॉज अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स माइनस वाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है और अगर हम सेकंड रो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एक्स प्लस वाई तो सेकंड ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट राइट स्टूडेंट्स लेट लेट सी कि हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है वो क्या है द वैल्यू ऑफ एक्स आपको एक्स फाइंड आउट करना है आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन आपके सामने है एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टी टू एक्स प्लस वाई इज टू फाइव फिफ्टी ओके बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगी एक्स और वाई की वैल्यू ठीक है दोनों को एड कर देते हैं सो वन प्लस टू इट विल बी थ्री एक्स इज इक्वल टू ये सिक्स हंड्रेड एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड इट्स सो सिंपल तो दिस इम्प्लायज एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड तो स्टूडेंट इट मीन्स येस विच ऑप्शन विल बी राइट येस सी ऑप्शन डेट इज टू हंड्रेड राइट स्टूडेंट चले नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ वाई इज द फोर्थ एमसीक्यू इज द वैल्यू ऑफ वाय इज आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट्स वेरी सिंपल पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स टू हंड्रेड सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग वी विल गेट वैल्यू ऑफ वाय सो दिस इम्प्लायज येस वाई इज इक्वल टू फिफ्टी इट्स वेरी सिंपल वाईज सी विच ऑप्शन इन विच ऑप्शन यस राइट राइट ऑप्शन विल बी ए राइटोरेंट तो कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे हमारे पास एमसी क्यू सॉल्व हो रहे हैं नेक्स्ट फिफ्थ इज वेरी सिंपल हाउ मच इज द एरिया ऑफ द रेक्टेगुलर फील्ड इज वेरी सिंपल सिर्फ आपको एरिया फाइंड आउट करना एरिया मतलब आपको जो आपकी जो एक्स और जो वाई की वैल्यू आई है बस आप, आपको दोनों को सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है तो एक्स सो फाइनल आंसर विल बी यस हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी डेट इज टू हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी सो एरिया विल बी टू हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी डेट इज थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड सो द बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन राइट स्टूडेंट्स तो इन दिस वे आपको एक केस स्टडी में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपके पास होंगे और बहुत ईजिली हमने इन क्यूज को uh, की जो आंसर्स हैं वो ढूंढ लिए हैं राइट वाओ इट्स सो सिंपल टू अटेन फोर मार्क्स राइट स्टूडेंट सो अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है तो आप बहुत अच्छे से बहुत ईजिली आप फोर मार्क्स ले सकते हैं राइट सो लेट इज मूव टू अवर नेक्स्ट केस स्टडी ओके लेटेस्ट सी तो हमारी सेकंड केस स्टडी क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है पहले उसको ध्यान से स्टडी करते हैं ऑन हर बर्थडे सीमा डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फेनेज होम इफ देर आर एट चिल्ड्रन लेस देन एवरी वन हैव गो टू रूपीज टेन मोर एंड इफ देर आर सिक्सटीन चिल्ड्रन मोर देन एवरी वन हैव गोट रूपीज टेन लेस राइट स्टूडेंट्स तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन के बेस्ड हमें फाइव जो एमसीक्यूज है उनका आंसर हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट कम टू फर्स्ट एमसीक्यू द इक्वेशन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आर ठीक है जैसे हमें लास्ट के स्टडी में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उन्हें इक्वेश की टर्म्स में लिखा था सेम ऐसे यहां पर भी की टर्म्स में लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं लेटेस्ट कंसिडर की यहां पे जो नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है उनको एक्स मान लेते हैं राइट right? एंड लेटस एज्यूम अमाउंट गिवन टू वन चाइल्ड इज वाई वाई एज्यूम कर लेते हैं तो एक्स यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन और वाई यहां पर हो गया अमाउंट गिवन टू वन चाइल्ड राइट स्टूडेंट्स नाउ तो पहली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है देर आर एट चिल्ड्रन इफ देर आर एट चिल्ड्रन लेस तो अगर यहां पर ठीक है एट स्टूडेंट कम हो जाए तो एवरी वन वु हैव गो टेन रुपीज मोर तो टेन रुपीज ज्यादा मिलेंगे ठीक है पहले कितने मिल रहे थे एक बच्चे को वाई मिल रहा था टोटल स्टूडेंट्स एक्स थे तो अगर टोटल स्टूडेंट्स हमने एक्स एज्यूम किए हैं और एक बच्चे को अगर वाई मिल रहा है तो टोटल अमाउंट कितना दिया जा रहा है दैट इज एक्स वाई अमाउंट दिया जा रहा है बट अगर यहां पर एट चिल्ड्रन कम हो जाए तो हर एक बच्चे को टेन रूपीज ज्यादा मिलेंगे तो, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई क्योंकि अमाउंट तो सेम ही रहेगा बस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा तो लेट अस सी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी दैट इज एक्स वाई माइनस एट वाई प्लस टेन एक्स माइनस एट्टी

इफ uh, देर are 16 चिल्ड्रन मोर अगर 16 चिल्ड्रन ज्यादा हो जाए ठीक है देन एवरी वन वु हैव गोट रूपीज टेन लेस ठीक है तो अगर सिक्सटीन मोर हो गए तो एवरी वन वु हैव गोट रूपीज टेन लेस तो वाई माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स वाई चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बनेगीट इज एक्स वाई प्लस सिक्सटीन वाई माइनस टेन एक्स माइनस वन सिक्सटी इज इक्वल टू एक्स वाई ठीक है एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल ठीक है ओवरऑल टू पे कैंसिल हो रहा है एंड दिस इम्प्लाइज फाइव एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू माइनस एटी तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी तो किस ऑप्शन में दोनों इक्वेश आ रही है यस फाइव एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू माइनस एटी ये इन फर्स्ट ऑप्शन सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट बिकॉज 5x एक्स माइनस फोर एंड 5x एक्स माइनस

Uh, उसको रिप्रेजेंट करती है लेटेस्ट विच ऑप्शन इज राइट सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इन फर्स्ट ऑप्शन अगर हम फर्स्ट फर्स्ट कॉलम को देखें तो 5x एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर्टी नो इट इज फाइव एक्स प्लस फोर वाई आ रहा है बट हमारा जो ऑप्शन है उसमें है फाइव एक्स माइनस फोर वाई ओके लेटस्ट कम टू सेकंड फाइव एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर्टी येस इट इज राइट फाइव एक्स माइनस फोर वाई टू फोर्टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन uh, आ रही है बट अगर हम सेकंड रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो फाइव एक्स माइनस एट इक्वल टू एटी बट हमारा जो है हमारी जो सेकंड इक्वेशन एट इज फाइव एक्स माइनस एट वाई इको टू माइनस एटी है तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता नो लेट इज मूव टू थर्ड सो फर्स्ट रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स माइनस फोर इक्वल टू फोर्टी यस। फर्स्ट इक्वेशन हो रही है हमारे पास आ रही है नाउ सेकेंड रो कॉलम सो फाइव एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस एटी यस सो इट इज राइट ऑप्शन सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हेयर राइट स्टूडेंट्स सो थर्ड एमसीक्यू इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुर गिवन सम मनी बाय सीमा एज सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने एक्स एज्यूम किए थे इट मींस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स हमें दो, दोनों इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी है जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी साथ साथ देख लेते हैं हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ईच चाइल्ड अमाउंट फाइंड आउट करना है तो फोर्थ ऑप्शन में आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थर्ड ऑप्शन में आपको एक्स की तो एक साथ दोनों ही कर लेते हैं फाइंड आउट तो सबसे पहले फर्स्ट माइनस सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा यस इट विल बी फोर वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एंड दिस इम्प्लायज वाई इज इक्वल टू थर्टी तो वाई की वैल्यू आपके पास थर्टी आ गई डेट इज द अमाउंट गिवन टू ई चाइल्ड इज थर्टी तो इन फोर्थ बी ऑप्शन विल बी राइट एंड साथ के साथ वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं तो so, वन में पुट करने के बाद इट विल बी वन ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर्टी एंड फाइव एक्स इज इक्वल टू वन सिक्सटी एंड दिस इम्प्लायज एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू इट मीन्स जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे थर्टी टू तो हेर डी ऑप्शन विल बी राइट स्टूडेंट यू कैन सी कितनी इजिल हमारे एमसीक्यू सॉल्व होते जा रहे हैं नाउ लास्ट जो फिफ्थ एमसीक्यू लेटेस्ट सी वो क्या है हाउ मच अमाउंट सीमा टू बी स्पेंड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑर्वेन इन्स होम तो बिल्कुल सिंपल आपको अमाउंट टोटल फाइंड आउट करना है तो टोटल अमाउंट विल बी एक्स इंटू वाई ओके तो जस्ट मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई तो थर्टी टू इन थर्टी ओके सो इट विल बी नाइन सिक्सटी रूपीज It will be 960 राइट स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू की किस टाइप की केस स्टडीज आपके पास आएंगी बेस्ड ऑन मैटर सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कम विद केस स्टडीज ऑन डिफरेंट टॉपिक सो टेक्चर स्टे सेफ थैंक यू